ये देखिए नीलकंठ उड़ रहे हैं, इनको देखना बहुत शुभ माना जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे मन मस्त होंगे। तो गाइस मस्त नहा धोकर रेडी हो गए और अभी फिलहाल 10 बज रहा है। तो गाइस फिलहाल हम खाना खा रहे हैं। तो देखिए आज खाना में है चावल और ओल का सब्जी, काफी टेस्टी है, तो फटाफट खाते हैं। फाइनली खाना तो हो गया है, तो गाइस निकल रहे हैं घूमने के लिए। और इस बार हम चल रहे हैं, पिछले ब्लॉग में हमने गया था शंकरवान मंदिर के पास, तो उससे कुछ आगे चलेंगे। और हमारे साथ घूमने के लिए हमारा फ्रेंड भी कह रहा है, हम भी जाएंगे। तो चलते फिर उसी के साथ, उसी के बाइक से निकलेंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं उसके घर। तो गाइस आनंद के घर तो आ गए हैं, तो अभी फिलहाल चलते हैं घूमने के लिए, देखते हैं कहाँ लेकर के चलता है ये। फिलहाल इसी के बाइक से चलेंगे। देखिए बाइक तो रेडी है, चलो स्टार्ट करो। काला दिख रहा है, टेंशन नहीं लो। चलिए घर से तो निकल गए और मेरे मार्केट में पहुंच गए। वो देखिए दोनों लड़का कितना स्पीड साइकिल चला रहा है, काफ़ी तेज। तो देखिए आपको दिखाते हैं कितना स्पीड ये लोग चला रहा है, 41 के। वाह भाई वाह। तो अभी फिलहाल हम लोग कुरावा वाले रास्ता की तरफ चल रहे हैं। जैसा कि पिछले ब्लॉग में हम इसी रास्ता तरफ आए थे और इधर से होकर के गए थे शंकरवान मंदिर की तरफ, तो आज भी उसी रास्ता में है। और आज कुछ न्यू देखने के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या न्यू मिलता है हमको देखने के लिए। तो गाइस पिछले ब्लॉग में हमने इधर गया था, तो इधर हमको शंकरवान का मंदिर दिखा। तो फिलहाल अभी हम लोग इधर चल रहे हैं, देखते हैं इधर क्या है। कहीं गाड़ी स्टार्ट रोक गई अभी, डुप्लीकेट माल दे दिया यार, ओरिजिनल है। फिलहाल हम लोग गांव में प्रवेश कर गए हैं। जैसा कि आप लोगों को देखे कि गाय बांधा हुआ था रोड पर, और इधर भी देखिए कितना सारी गाय बांधी हुई है रोड पर। और अभी फिलहाल हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। अभी तक तो कुछ न्यू देखने को नहीं मिला, अभी तक हम लोग सिर्फ सफ़र ही कर रहे हैं, देखते हैं क्या आगे देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये ब्रिज को क्रॉस करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं CID के तरफ, इधर से ही CID जाया जाता है। और अभी का मौसम देखिए चारों तरफ क्लीन है, और वो देखिए आप लोग पहाड़ दिख रहा होगा ना, वही है जोगनी स्थान का पहाड़। तो फिर हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या। और ये देखिए यहाँ पर बत्तख के कुछ बच्चे सब, वो दिखाते हैं एक मिनट रुके, इधर देखिए सब नहा रहा है ना बत्तख सब। वाह। तो गाइस हम लोग अपने गाड़ी तो घुमा लिए हैं, और अभी फ़िलहाल इधर देख लीजिए इसके आगे तो नहा रही हैं। तो फिलहाल और आगे चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए फिर से हम लोगों ने वो ब्रिज को क्रॉस कर लिया, क्योंकि उधर जाने का कोई और रास्ता होगा हम लोगों को पता नहीं, तो हम लोग इसी रास्ता से उधर फिलहाल चल रहे हैं कहीं और नया देखने के लिए। तो गाइस अभी फिलहाल चल रहे हैं हम लोग उसी रास्ता में, जिस रास्ता में शंकरवान के मंदिर हमने दिखाया था पिछले ब्लॉग में। और देखिए सामने शंकरवान का मंदिर है, तो पिछले ब्लॉग में हम यहीं तक आए थे, मंदिर दिखाए थे, तो अभी फिलहाल इससे आगे चलते हैं। ये देखिए नीलकंठ उड़ रहे हैं, इनको देखना बहुत शुभ माना जाता है। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग चलते चलते चौरा में आ गए हैं, तो अब फिलहाल सोचते हैं घर जाने के लिए। और एक आगे में बजरंगबली का मंदिर है, तो उधर चल लेते, फिर इसके बाद निकलेंगे। चलो चलो जाए। फिलहाल हम लोग लोकेशन देख रहे थे कहाँ जाने के लिए, तो देखिए देखिए पकड़िए तो आप सर अपने हाथ में बताइएगा हमको दाएं बाएं। अरे वो को यार किधर चला गया, हम पर गवाह नहीं है। हाँ चलो सीधे चलो, ठीक है पैसा दीजिएगा सर। हाँ अरे पैसा देंगे, कहीं नहीं देंगे। इधर तो धान हुआ है बे। तो देखिए भैंस सब और गाय को रोड पे बांधा हुआ, और बगल में पोखर भी है। इधर पोखर बहुत देखने को मिला, आते वक्त भी देखने को मिला, लेकिन वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन जाते वक्त दिखाएंगे। तो चलिए पहुंच गए बजरंगबली पर, जय हो बजरंगबली। तो गाइस हम लोगों ने बजरंगबली का दर्शन भी कर लिया, और अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं, वापस लौट चुके हैं और चौरा होते हुए और हम लोग पथरगामा की ओर चल रहे हैं। तो देखिए वहाँ पे चौरा लिखा है बोर्ड में, और देख पोखरी। हाँ पोखर। अब हम लोग को सीधे सिर्फ 5 किलोमीटर चलना है, तो आ जाएगा हम लोग का घर। और ये इधर देखिए बजरंगबली का मंदिर था, और देखिए इधर पोखर सब। इधर बहुत ज़्यादा हम लोग को पोखर देखने को मिला, ये पोखर रहा, और भी आगे चल रहे हैं उधर भी आप लोग को पोखर देखने को मिलेगा। देखिए दिखा ना जस्ट बगल में एगो, ये है इतना बड़ा पोखर, और इधर भी पोखर, और पीछे भी पोखर था, और भी आगे रास्ता में मिलेगा। अब पथरगामा बचा ये मंदिर से 4 किलोमीटर। आ रहे हीरो।
अभी फिलहाल हम लोग जाम में फंस गए हैं। देखिए पीछे बाइक और ट्रक है और आगे टेम्पो घुसा दिया है, तो निकलते हैं हम लोग। चलिए निकाल दिए हैं, तो अब चलते हैं नॉन स्टॉप घर की ओर। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सा, तो देखिए गाड़ी का सिलेंसर शायद आवाज़ कर रहा है, टी 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 टी, देखिए शायद यही का आवाज़ कर रहा है। पकड़ो, गन लगाया है। हीट है ना? हाँ अच्छा हीट हो गया है। अच्छा कितना दूर हम लोग ट्रेवल किए हुए? 7 किलोमीटर होगा अंदर। चलिए गांव से हम लोग बाहर निकल गए हैं और फिलहाल हम लोग अपने मार्केट में प्रवेश कर गए हैं। बस यहाँ से घर कुछ ही दूर बचा है। फाइनली गाइस घूम के घर आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और कुछ विशेष देखने को नहीं मिला, ना कुछ मंदिर मिला, ना कुछ मतलब कुछ यूनिक सा कुछ हम लोग को देखने को मिला। बस मोटो ब्लॉक की तरफ घूमते चले गाँव घूम लिए और काफ़ी दूर तक ले आज हमने चला गया, 7 किलोमीटर अंदर और आना। अप डाउन टोटली 14 किलोमीटर आज हो गया। हम साइकिल से जाते हैं तो खूब से खूब 4 किलो 5 किलो जाते हैं, अप डाउन 10 किलोमीटर, लेकिन आज बाइक से थे तो एक्स्ट्रा चले गए 14 किलोमीटर और अंदर भी चले गए थे इधर उधर घूमने के लिए। घूम लिए, विशेष तो कुछ देखा नहीं, बस गांव का दृश्य देखा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस ब्लॉग कमेंट करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।